ठीक है, बर्ड्स का हम लोग देख लिए, अब मैमल्स का देखेंगे, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। ओके, सो मैमल्स आपको ऑलरेडी पता है, मैमल्स का लीनिएज कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से निकला मैमल्स का लीनिएज? मैमल्स का लीनिएज एमनियोटा से हुआ ना, निकला एमनियोटा से, दो लीनिएज निकले। एक लीनिएज जिसमें इस एनाप्सिड टाइप का जो स्कल था वो मॉडिफाइड हो गया, किसमें, डायप्सिड टाइप में, यूडायप्सिड पेरापसिड टाइप में, तो वो लीनिएज अलग अलग टाइप का स्कल मॉडिफाई हुए, तो दैट लीनिएज इज रेप्टिलिया। एंड द सेकेंड लीनिएज इन विच एनाप्सिड टाइप ऑफ स्कल वॉज मॉडिफाइड इन टू साइनेप्सिड टाइप ऑफ स्कल, एंड दोज दैट लीनिएज लेटर गिव राइज टू मैमल्स। स्टिल दे वेर नॉट द मैमल्स, दे वेर द एंसेस्टर ऑफ द मैमल्स, बट लेटर ऑन दे गेव राइज टू मैमल्स। दोज एंसेस्टर्स आर नॉट लिविंग टूडे बिकॉज एट द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड तो फिफ्थ कैटेस्ट्रोफिक इवेंट वाइप देम आउट। एंड ओके, सो द रेप्टिलिया वी हैव बीन डिस्कसिंग रिप्रेजेंट ओनली टू लिविंग लीनियजेस ऑफ एमनियोट्स। ओके, रेप्टिलिया जो है एमनियोट का जो दो लिविंग लीनियज है उसमें से एक है, और दूसरा वाला लीनियज जो है द अदर एमनियोट लीनियज इज आवर ओन द मैमल्स, दैट इज क्लास मैमेलिया। टुडे देयर आर मोर देन 5300 नोन स्पीसीज ऑफ मैमल्स ऑन अर्थ। 5300, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? यस सर, यस सर, यस सर। रेप्टिलिया में कितना स्पीसीज था बताओ, पिछला क्लास में भी पढ़ाया है, याद नहीं रखते हो? अब सुबह सुबह पढ़ाएंगे भी याद रहेगा। 5300 है मैमिलिया में, रेप्टिलिया में कितना स्पीसीज था, मोर और लेस 10,000 के लगभग था, 10,000 है यस सर, ना मैम रेप्टिलिया में। और आप कहोगे कि यस सर सर, रेप्टिलिया में ज्यादा सक्सेसफुल है इसका मतलब मैमिलिया से। ऑफ कोर्स, रेप्टिलिया जो है ज्यादा सक्सेसफुल है मैमिलिया से। मैमिलिया में तो आपका एक ह्यूमन ही ना इतना तबाही मचाए हुए है, क्योंकि इसके पास दिमाग आ गया। रेप्टिलिया जो है क्योंकि उसके पास एग है और शरीर के बाहर एग को करता है, वो बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है। ठीक है, हम लोग उस स्ट्रेटजी को छोड़ दिए बहुत ही पहले अपने बचाव के लिए। डायनासोर्स जो थे, हमारे पूर्वजों के जो अंडे थे उनको खा जाते थे, तो बचने के लिए दे डेवलप्ड इनटू विवीपेरस। सो थैंक्स टू डायनासोर। सो टुडे देयर आर मोर देन 5300 नोन स्पीसीज ऑफ मैमल्स ऑन अर्थ। 5300 स्पीसीज है इसका, सॉरी। अब देखिए, अच्छा एक सेकेंड, इसमें 13 लोग, 13 लोग है ना, इसमें ग्रुप में कौन एंजॉय कर रहा है बिना अटेंडेंस का, उसको हम बाहर कर दूं। 44 क्यों नहीं आ रहे? 44 का कुछ पता है क्यों नहीं आती है, बीमार वगैरह तो नहीं है? नो इन्फॉर्मेशन? तो कुछ दिन पहले वो बोली थी कि उसका एक्सीडेंट हो गया, फिर उसके बाद पता नहीं क्यों नहीं क्लास आई। उसने जो इन्फॉर्म करना चाहिए था ग्रुप में,
ओके जी, तो आएगी हो गया ठीक। 18? नहीं, अभी भी। अच्छा, बाकी तो कुछ पहली बार आए हैं, दूसरी बार विदाउट इन्फॉर्मेशन गायब हुए, फिर ट्रेनिंग कर दूंगा। ठीक, दो को हटा दिया, उससे ज्यादा नहीं, नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, नमने आएंगे उनको निकाल दूंगा। ओके, अब देखिए आप पहले ऊपर तौर पर देखिए, मैमेलिया का आपको हम बताए थे क्लासिफिकेशन जब पढ़ाए थे क्लास में, तो क्या क्या था मैमेलिया का? सब क्लास, इंफ्रा क्लास, याद नहीं है? देखो, प्रोटोथीरिया, थीरिया, इंफ्रा क्लास, सब प्रोटोथेरियंस, मेटाथेरियंस एंड यूथेरियंस, है ना, मैमेलिया का सब क्लास और फिर इंफ्रा क्लास। ठीक है, प्रोटोथीरिया कौन थे? एग लेइंग मैमल्स, एंड इन थीरिया, एलोथीरिया एक्सटिंक्ट हो गया, मेटाथीरिया आर मार्सुपियल्स, एंड प्लासेंटल मैमल्स आर यूथीरियंस। ये एक ओवरऑल इसका हो गया। अब देखिए इसके थोड़ा डिटेल अंदर जाएंगे। ये तो खत्म हो गया ना यहाँ, हाँ यहाँ पर थे। There are two sub classes, ये फिगर दिख रहा है आपको? Yes sir. Yes sir. Prototheria and theria. Prototheria में monotremata are स्टिल लिविंग ऑर्डर, मोनोट्रीम्स, मोनोट्रीम्स का नाम सुने हो गए आप लोग, ठीक है, डक बिल प्लेटिपस, एग लेइंग मैमल्स, दीज आर स्टिल लिविंग। म्यूट कर लो पूजा। डोकोडोंटा, ट्राइकोडोंटा, मल्टी ट्यूबरकुलेटा एंड मोनोट्रीमेटा, ये चार ऑर्डर हैं, जिसमें से ये तीन डोकोडोंटा, ट्राइकोडोंटा, मल्टी ट्यूबरकुलेटा, ये तीनों एक्सटिंक्ट हो गया। थीरिया में, ठीक है, एक तो पेंटोथीरिया को भी अलग से कंसीडर किया, एक सेपरेट लीनियज है, लेकिन दिस इज एक्सटिंक्ट। मेटाथीरिया, दीज टू आर द मेजर टू इंफ्रा क्लासेस, मेटाथीरिया, यूथीरिया। मेटाथीरिया में मार्सुपियल्स है ऑर्डर, मार्सुपियलिया एक ऑर्डर है, ये लिविंग है, कंगारू वगैरह इसमें है। यूथीरिया सेकेंड इंफ्रा क्लास, ओके, इसमें है आपका, अगेन द इंफ्रा क्लास इज यहाँ पर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कोहोर्ट, ए न्यू टर्म दैट यू माइट बी सीइंग हियर, कोहोर्ट, क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन बहुत है, दीज आर द लिविंग, तो इसको और कोहोर्ट बनाया गया। फिर उसके बाद सुपर ऑर्डर, सुपर ऑर्डर सिर्फ इधर दिख रहा है एक के केस में, एंड देन ऑर्डर। थीरिया आपका मेटाथीरिया हो गया, जिसमें मार्सुपियलिया ऑर्डर है, लिविंग। यूथीरिया, यूथीरिया में आपका कोहोर्ट जो है, कितने कोहोर्ट हैं? चार, ठीक है, यूथीरिया इंफ्रा क्लास को चार कोहोर्ट में बांटा। पहला कोहोर्ट है उंगुइकुलेटा, उंगुइकुलेटा, यू एन जी यू आई सी यू एल ए टी, एल ए टी ए, उंगुइकुलेटा, इसमें आपका ऑर्डर है इंसेक्टिवोरा, कायरोप्टेरा, डर्मोप्टेरा, गूगल करके सब देख लेना एग्जाम्पल, या कहोगे तो हम अभी दिखा रहे हैं, इंसेक्टिवोरा, कायरोप्टेरा, डर्मोप्टेरा, ओके, टीनियोडोंटिया एक्सटिंक्ट हो गया,
टीलोडोंटिया एक्सटिंक्ट हो गया, ईडेंटेटा, फिलोडोटा, प्राइमेट्स, देखिए हम लोग भी इसी कैटेगरी में है, हम लोग का कोहोर्ट है उंगुयुकुलेटा, यूथेरिया में उंगुयुकुलेटा देन प्राइमेट ऑर्डर। फिर यूथेरिया में दूसरा एक कोहोर्ट है ग्लीड्स, ग्लीड्स में रोडेंटिया, लिगोमोर्फा। सेकेंड, अब थर्ड कोहोर्ट म्यूटिका, इसमें सिर्फ सिटेसिया है, एक ही ऑर्डर है। और चौथा कोहोर्ट जो है ये काफी इसमें नंबर ज्यादा है, इसको बांटा गया फिर सुपर ऑर्डर में, दैट इज पांच सुपर ऑर्डर, फिरेरी, प्रोटोंगुलेटा, पिनंगुलेटा, मिसेजोनिया, पैराजोनिया। उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस नाम जान लो, इसमें बहुत सारे कुछ कुछ एक्सटिंक्ट हो गए। ओके, मोटा मोटी अभी एग्जाम्पल आपको हम बता देते हैं इसी में, मोनोट्रीमेटा का तो है ही आपको पता, इंसेक्टिवोरा, वन सेकेंड हम भी गूगल कर रहे हैं, इंसेक्टिवोरा ये इंसेक्ट को खाता होगा, इंसेक्टिवोरा इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ मैमल्स आफ्टर द रोडेंट्स एंड बैट्स, मोस्ट ऑफ द इंसेक्टिवोर्स आर स्मॉलर देन अ चाइल्ड्स हैंड एंड श्रीव्स आर सम ऑफ द स्मॉलेस्ट मैमल्स नोन। ओके, इंसेक्टिवोरा दिखा, ये हो गया आपका कायरोप्टेरा, इसका एग्जांपल आपका है, वैसे इंसेक्टिवोरा में रैट्स भी है। ओके, बट नहीं नहीं रैट बोल रहे, लिजार्ड्स, लेकिन वो तो रेप्टिलिया है। द ऑर्डर इंसेक्टिवोरा इज ए नाउ अबेंडेंट बायोलॉजिकल ग्रुपिंग विद इन द क्लास ऑफ मैमल्स, सम स्पीसीज हैव नाउ बीन मूव्ड आउट लीविंग द रिमेनिंग वंस ऑफ द एग्जाम्पल्स आर मैमल्स में है इंसेक्टिवोर्स, पैंगोलिन्स, बैट्स। ओके, पैंगोलिन जिससे कोविड फैला, सांडा, सांडे का तेल सुने होंगे नाम, चंपी वाले यूज करते हैं, कहते हैं सांडे का तेल जॉइंट में लाभप्रद, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब अंधविश्वास है। इंसेक्टिवोरा, कायरोप्टेरा, कायरोप्टेरा आपका, नहीं मैं फोटो भी दिखाते जाता हूं आपको तो अच्छा रहेगा। आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस। फोटो कायरोप्टेरा, बैट्स, बैट्स आर कायरोप्टेरन्स। इंसेक्टिवोरन्स क्या है? इंसेक्टिवोरा, वन सेक, इंसेक्टिवोरा, इंसेक्टिवोर्स वेरी ग्रेटली इन अपीयरेंस, दे टिपिकली हैव ए लॉन्ग स्नाउट एज एविडेंस्ड बाय मोस्ट मोल्स, श्रियूज, सोलेनोडोन्स, सम आर कवर्ड इन ए माउस लाइक फर with a hairy smooth tail, others are covered in spines and lack tails. Okay, आप ये गोह वगैरह देखा होगा, गोह वही है इंसेक्ट। Okay, कौन है वेटिंग में? जिज्ञासा अभी आई है,
ओके फिर है आपका कायरोप्टेरा, कायरोप्टेरा इसमें बैट्स हैं, बैट्स कैरप्टेरन, उसके बाद क्या है डर्मोप्टेरा, डर्मोप्टेरा डर्मोप्टेरा डीज आर डर्मोप्टेरम्स कोलुगो फ्लाइंग लेमर उड़ने वाला लेमर पेड़ पर रहता है एंड थर्ड नेक्स्ट वन इज दो एक्सटिंक्ट हो गया टीनियोडोंटिया, टीनियोडोंटिया फिर भी देखते हैं उसका फोटो कैसा है टीनियोडोंटिया, टीनियोडोंटिया नहीं ये तो डेंटिस्ट का ले लिया है, स्पेलिंग सही है टी ए एन आई ओ डोंटिया टीने डोंटिया ऑर्डर एक्सटिंक्ट हो गया टीने डोंटिया, दे वेर लुकिंग लाइक दिस, इसीलिए इसके दांत के आधार पर एक बीमारी का नाम रख दिया जिसमें ऐसा दांत हो जाता है। नेक्स्ट वन इज टीलोडोंटिया, टीलोडोंटिया टीलो टीलोडोंटिया they are also extinct they were looking like this, picture clear आ रहा है आप लोगों को? yes sir these are also extinct now, next one है आपका टीलोडोंटिया के बाद एक्सटिंक्ट हो गया, अब ये हम क्या बता रहे हैं ऑर्डर बता रहे हैं कोहोर्ट उंगुई कुलेटा कोहोर्ट के, दीज आर द ऑर्डर्स इंसेक्टिवोरा कायरोप्टेरा डर्मेप्टेरा टीनोडोंटिया टीलोडोंटिया, नेक्स्ट वन इज इडेंटाटा, इडेंटाटा ये एक्सटिंक्ट नहीं है, दीज आर लिविंग्स, इनका नाम स्लोथ पूरा जिंदगी भर एक पेड़ पर रह जाता है, बहुत ही सुस्त जानवर है ये, दुनिया का सबसे सुस्त जानवर रहता है, लाइफ लॉन्ग पूरे जन्मता भी एक पेड़ पर है मर भी उसी एक पेड़ पर ही जाता है, बहुत ही कम मूव करता है ये। स्लोथ्स आर आपका इडेंटाटा एंड द नेक्स्ट वन इज
फोली डोटा, नेक्स्ट ऑर्डर इज फोली डोटा, हम लोग इसी से बिलोंग करते हैं, इसलिए आप देखोगे अब धीरे धीरे फीचर्स जो है सिमिलर होते जाएंगे। कैपिटल टी फोली डोटा ऑर्डर, फोली टाटा, फोली डोटा, यस फोली डोटा। कैपिटल ए डोटा, फोली डोटा आपका फोर स्पीसीज इन अफ्रीका, थ्री इन इंडिया, साउथ इंडिया, स्पीसीज का नाम बताइए, स्पीसीज का नाम आपका ये पेंगोलिन लग रहा है ये, फिर लेकिन पेंगोलिन तो ऊपर में था, पेंगोलिन ही है ये, लेकिन इंसेक्टिवोरा में पेंगोलिन नहीं है, पेंगोलिन है आपका फोली डोटा का, यही रेस्पॉन्सिबल है कोरोना के लिए, सांडा, सांडे का तेल, इसमें कोविड 19 का वायरस भरा हुआ है लेकिन इसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, तो ये रेस्पॉन्सिबल थोड़े है, रेस्पॉन्सिबल वो आदमी है जो इसको मार के खाया और ह्यूमन पॉपुलेशन में एंटर कर गया वायरस, अब निकालो निकलेगा नहीं, इसी तरह HIV भी ह्यूमन पॉपुलेशन में एंटर हो गया, पहले रिसस मंकीज में थे वो HIV, तो ये तो ह्यूमन का बदमाशी है, वो अपने खुद बुलाया है, उसको खा लिया तो वायरस एंटर कर गया, और अभी ठीक है, तो ये हो गया आपका फोली डोटा। प्राइमेट्स, लास्ट ऑर्डर इज प्राइमेट्स, प्राइमेट्स का तो फोटो दिखाने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे को देख लो, प्राइमेट्स है सब, ठीक है, ह्यूमंस आर आल्सो प्राइमेट्स, मंकीज, लंगूर, ये सब प्राइमेट है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइमेट्स आर देयर। गोरिल्ला, उरांगोटान, रिसस मंकी, अब आते हैं हम नेक्स्ट कोहर्ट, यूथेरिया में चल रहे थे, इंफ्रा क्लास यूथेरिया में, इसके इसका जो फर्स्ट कोहर्ट देख लिए, उंगुई, कुलेटा, नेक्स्ट कोहर्ट इज ग्लिरिस, ग्लिरिस में दो हैं ऑर्डर, रोडेंटिया एंड लैगोमोर्फा, तो रोडेंटिया आप जानते हैं, रोडेंटिया हो गया तो क्या हो गया, चूहा सब हो गया, दीज आर द रैट्स एंड स्क्विरल्स, रोडेंटिया, ओके, या अमेजन में एक ये मिलता है, इसको एनाकोंडा बहुत, उसको क्या बोलते हैं, नाम भूल रहे हैं इसका, बाबू बाबू नाम भूल रहा हूँ, बी से नाम है इसका, ओके, तो ऑल काइंड्स ऑफ रैट्स, गिनी पिग्स, स्क्विरल्स, ये सब इसमें है। अब आते हैं नेक्स्ट में, सेकेंड ऑर्डर फ्रॉम कोहर्ट ग्लिरिस एंड इंफ्रा क्लास यूथेरिया इज लेगोमोर्फा, लेगोमोर्फा, देखिए खरगोश है इसमें, लेगोमोर्फा, इसमें आपका खरगोश आ गया भैया, लेगोमोर्फ, तो क्या सिर्फ खरगोश ही है इसमें,
लैगोमोर्फा में भी डिविजन्स है, पिकास, जैक रैबिट्स एंड हेयर्स, रैबिट में भी अलग अलग टाइप का, हाँ मोटा मोटी सिर्फ रैबिट ही है, रैबिट में भी वैरायटी है, बहुत तरह का रैबिट है, अमामी, रॉक हेयर, वोल्केनो, हिस्पिड, यूरोपियन, यूरोपियन पिग्मी रैबिट, सुमात्रन, तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैबिट्स इन लेगोमोर्फा। नेक्स्ट, अब ये हो गया आपका कोहोर्ट ग्लिरिस खत्म। तो इस कोहोर्ट में दोनों ऑर्डर एक्सटेंक्ट है, एक्सटिंक्ट कोई नहीं है, और इसके पहले जो कोहोर्ट देखे उंगुइकुलेटा में, उसमें कितना था टोटल ऑर्डर, 3, 2, 5, 2, 7 दोनों टोटल 9 ऑर्डर्स थे, जिसमें से 2 एक्सटिंक्ट हो गए, टीनियोडोंटिया एंड टीलोडोंटिया आर एक्सटिंक्ट, अदर 7 इंसेक्टिवोरा, कायरोप्टेरा, डर्मोप्टेरा, इडेंटेटा, फोलियो फोलीडोटा एंड द प्राइमेट्स, ये अभी एक्सटेंट है। एक्सटिंक्ट और एक्सटेंट में अंतर ध्यान से आप लोग रखिएगा, ये नहीं समझिएगा